जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। मित्रों, आपको बता दें कि आपकी वैकेंसी जो है ऑनलाइन जो है आपका जो है दिसंबर महीने में होने जा रहा है। उससे पहले आप जो है परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए हम हमारी एकेडमी के द्वारा और हमारे जो भी एकेडमी में जो भी हमारे साथी हैं उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि वो आपके लिए अच्छे से अच्छे बेसिक कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड किए जाए ताकि आप परीक्षा क्वालिफाई कर सकें। तो इसके लिए हम सभी प्रतिदिन जो है एक नया जो है करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे एकेडमी का प्रयास है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन हो वो हमारे एकेडमी से 100% क्वेश्चन फंसने चाहिए, हमारी क्लास से फंसने चाहिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मित्रों, आपको महत्वपूर्ण दिवस राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों होंगे इसमें आज की क्लास में। और यहाँ से मित्रों आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो इसलिए यह जो क्लास है इसको अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स तैयार करिएगा और उसको रिवाइज अवश्य करिएगा। तो आगे आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा महत्वपूर्ण दिवस। तो महत्वपूर्ण दिवस, पहले हम जनवरी माह में कौन कौन से दिवस हैं महत्वपूर्ण दिवस उनके बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण जो दिवस हैं उनके बारे में आज हम सबसे पहले बात करेंगे आपसे। तो जनवरी महीने में आपके कौन कौन से दिवस आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जनवरी महीने में आपको 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। लुई ब्रेल दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है 4 जनवरी को, तो ब्रेल लिपि के आविष्कारक हैं। ब्रेल लिपि क्या है, तो ब्रेल लिपि जो है वो जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए इन्होंने दृष्टिबाधित ब्रेल लिपि के आविष्कारक हैं, इन्हीं के जन्मदिवस को ब्रेल लिपि। तो उसके बाद ब्रेल लिपि के आविष्कारक इनको माना जाता है। ब्रेल लिपि किसके लिए, तो आपको बताना है ब्रेल लिपि जो है दृष्टिबाधित से संबंधित है। दृष्टिबाधित जिनको आंख से नहीं दिखाई देता है उनके लिए यह लिपि जो है वो टच करके पढ़ते हैं। तो इसमें इस तरह से चिन्ह होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं जिनको टच करके जो अंधे लोग होते हैं वो पढ़ते हैं। अगला है 10 जनवरी। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है आपको बताना है, 10 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 12 जनवरी को एग्जाम में अगर आ जाता है 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है किसके जन्मदिवस को इसमें सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको बताना है स्वामी विवेकानंद का जो जन्मदिवस है उसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। और स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम है एग्जाम में पूछा जाता है नरेंद्र दत्त था। क्या था, तो वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था, नरेंद्र। ठीक है, आगे देखते हैं 15 जनवरी। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, थल सेना दिवस।
यह जो है राष्ट्रीय दिवस है, क्या है? राष्ट्रीय दिवस है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है तो आपको बताना है, थल सेना दिवस जो है आपको बताना है कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद है 24 जनवरी। 24 जनवरी, 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है तो आपको बताना है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है तो आपको बताना है 24 जनवरी को। अपना उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस है। 24 जनवरी को क्या है तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। स्थापना दिवस। आगे 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है तो 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 25 जनवरी को, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, पर्यटन दिवस, और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है तो मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये तो आपको याद करने हैं कि 25 जनवरी को क्या क्या मनाए जाते हैं। तो आगे देखते हैं 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है तो आपको बताना है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है तो आगे आपको हम बता देते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। भारत गणतंत्र कब हुआ तो आपको बताना है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे 26 जनवरी को और क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय, 26 जनवरी को और क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा उत्पाद दिवस, अंतरराष्ट्रीय सीमा उत्पाद दिवस, उत्पाद दिवस। ठीक है, आगे 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस। 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, शहीद दिवस। तो ये सारे दिवस आपको याद करने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कौन कौन से दिवस हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हमें आशा है कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। आगे देखते हैं, 23 जनवरी को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस मनाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था तो आपको बताना है कटक में। कटक कहाँ है, उड़ीसा में है। इनको नेताजी की उपाधि किसने दिया था तो एडोल्फ हिटलर ने दिया था। कहाँ के थे हिटलर तो आपको बताना है जर्मनी के थे। इनको नेताजी की उपाधि किसने दिया था। ठीक है, 24 जनवरी तो हमने आपको बता दिया राष्ट्रीय बालिका दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस,
ठीक है, या शहीद दिवस भी। ठीक है, आगे देखते हैं, फरवरी महीने में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो आपका 4 फरवरी को, 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 फरवरी को गुलाब दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो आपको बताना है गुलाब दिवस। 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। रेडियो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, 13 फरवरी हो गया। आगे आपका 21 को देख लेते हैं। 21 फरवरी को, तो 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 24 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है कब मनाया जाता है? तो यह जो है आपको बताना है 24 फरवरी को मनाया जाता है, यह राष्ट्रीय दिवस है। आगे देखते हैं 28 फरवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो 28 फरवरी आपको क्या बताना है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है 28 फरवरी को। उसके बाद अगला जो हम लोग देखेंगे, मार्च महीने में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? तो मार्च महीने में, अब हम लोग देखेंगे मार्च महीने में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो पहला है 8 मार्च। क्या है? 8 मार्च। 8 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपको बताना है कि 8 मार्च को मनाया जाता है। हमने अभी आपको बताया था कि राष्ट्रीय महिला दिवस जो है किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो है सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता था, नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। आगे देखते हैं, मार्च में और कौन से दिवस सेलिब्रेट किए जाते हैं उनको देखेंगे। मार्च में 8 मार्च का हो गया आपका। उसके बाद आपसे 20 मार्च पूछ लिया जाता है, 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 मार्च को खुशहाली दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है 20 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, बानकी दिवस कब मनाया जाता है? बानकी दिवस जो है 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो आपको बताना है बानकी दिवस मनाया जाता है। बानकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। बानकी दिवस। आगे देखते हैं 23 मार्च। पहले 22 मार्च देख लेते हैं। तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस।
और बिहार दिवस मनाया जाता है, बिहार राज्य का जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है, बिहार दिवस स्थापना। अगला है 23 मार्च, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई थी, तो इसलिए जो है शहीद दिवस 23 मार्च 1931 को हुई थी तो शहीद दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल, अप्रैल में 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है, 7 अप्रैल को। अगला है 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुई थी, तो जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब मनाया जाता है तो आपको बताना है 13 अप्रैल को। 22 अप्रैल को जो है क्या मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई को क्या मनाया जाता है, तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अगला है 8 मई, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, रेड क्रॉस की स्थापना जो है 1863 में हुई थी। और 31 मई को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है, विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। आगे देखते हैं, ये 5 जून वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पृथ्वी दिवस याद कर लेना है, वानिकी दिवस याद कर लेना है, विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछ लेता है, और जल दिवस, इन सबको आप याद कर लीजिएगा। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, तो 1987 से मनाया जा रहा है, जब विश्व की जनसंख्या 7 अरब पार कर चुकी थी। आगे देखते हैं 13 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 13 जुलाई को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला 26 जुलाई, 26 जुलाई को जो है कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस जिसमें भारत की विजय हुई थी, ठीक है। 2 अगस्त, 2 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, तो संस्कृत दिवस मनाते हैं, क्या मनाते हैं, संस्कृत दिवस मनाते हैं। 12 अगस्त, 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और हमने आपको बताया है कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को, दोनों तारीख सेम है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। 29 अगस्त, अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, मेजर ध्यान चंद्र। अगला है 5 सितंबर, 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, विश्व साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस। 16 सितंबर को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व ओजोन दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस या ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन की मोटाई किसमें मापी जाती है, तो कई बार एग्जाम में आया है, डॉप्सन में जो है ओजोन की मोटाई मापी जाती है। आगे देखते हैं 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस अभी हमने आपको बताया था कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को और किसकी जयंती मनाई जाती है, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, या अहिंसा दिवस भी कहा जाता है, अहिंसा दिवस, अहिंसा
दिवस। आगे, हाँ, 1 अक्टूबर को शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, शाकाहारी दिवस। और 1 नवंबर को शाकाहार दिवस मनाया जाता है, शाकाहार दिवस, दोनों याद कर लीजिएगा। आगे 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को, और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो भारतीय वायुसेना दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस। 21 अक्टूबर को जो है आजाद हिंद फौज की स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो आपको बताना है कैप्टन मोहन ने पहले की थी, और बाद में जो है इसका श्रेय जो है सुभाष चंद्र बोस को दिया जाता है। आगे 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, विश्व पोलियो दिवस। 24 अक्टूबर को और क्या मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क में है, और कब स्थापित हुआ था, 1945 को। कहाँ मुख्यालय है, कई बार पूछा जाता है, तो आपको बताना है न्यूयॉर्क में। आगे देखते हैं 14 नवंबर को बाल दिवस, बाल दिवस किसका जन्म दिवस है, तो आपको बताना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। 14 नवंबर को और क्या मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस। अगला 20 नवंबर को क्या मनाया जाता है, बाल अधिकार दिवस, बाल अधिकार दिवस। यहीं पर एक 19 नवंबर को याद कर लीजिएगा, 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो शौचालय दिवस मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, शौचालय दिवस। आगे देखते हैं 1 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को और क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस, SSB की जो है स्थापना दिवस। अगला है 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है। आगे 3 दिसंबर को और क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। कई बार पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो विकलांग दिवस है वो आपको बताना है 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो आपको बताना है भारतीय नौसेना दिवस, नौसेना दिवस मतलब होता है नेवी वालों की स्थापना दिवस। 7 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस। मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो है 1993 में हुई थी, और इसका जो न्यायाधीश बनने की एज है वो 70 साल तक। आगे 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस है। तो आज की क्लास मित्रों हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, सारे दिवस आपको बता दिए गए हैं, तो यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।